गेम स्टार्ट होता हुआ लिबर हेडी वर्सेस खेड़ा जट के बीच। इधर है लिबर हेडी और इधर है खेड़ा जट। गेम स्टार्ट दोस्तों, गेम स्टार्ट। पांच लिबर हेडी, तीन खेड़ा जट। अच्छा, तीन नंबर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है लिबर हेडी की तरफ से, सॉरी खेड़ा जट की तरफ से है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, नौ नंबर खिलाड़ी खेड़ा जट की तरफ से। गेम बेहतरीन चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। दस नंबर खिलाड़ी, बहुत अच्छा। थर्ड रेड खेड़े जट की ओर से, थर्ड रेड बेहतरीन, जबरदस्त डिफेंस लेवर हट की तरह से। नौ नंबर द्वारा बेहतरीन, दस नंबर खिलाड़ी, थर्ड रेड डो डाई रेड है, चार का डिफेंस, दस नंबर खिलाड़ी। एक दो या तीन रेड राउंड, बेहतरीन मुकाबला होगा भाई वो। पच्चीस नंबर खिलाड़ी लेबर हेडी की तरफ से। नहीं भाई, आपके लिए तो हम कितने स्पेशली कुछ करा रखा है। लेबर हेडी एक ही टीम है ये और खेड़ा जट की टीम के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। नौ नंबर खिलाड़ी खेड़ा जट की तरफ से। भाई बहुत ही अच्छा मैच चलता है, नौ नंबर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छी रेट डाल रहे हैं खेड़े जट की ओर से, बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त रेट डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। भाई दोनों ही टीमें तैयार है, दशेड़ा और खतराड़ा दोनों ही टीमें। बड़ा बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा वो मुकाबला जो होगा। भाई दोनों ही टीमें मेरी आवाज सुन रही है, तो टीटा भैली खतराड़ा और दशेड़ा, थर्ड रेड और डाई रेड है, थर्ड रेड खेड़े जट की ओर से, थर्ड रेड दो नंबर बेहतरीन जबरदस्त किक लगाई थी। स्कोर 6-6 बराबर है, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। क्या लगेगी एक और पकड़ बेहतरीन। अगर निकल जाते तो कम से कम तीन खिलाड़ियों को आउट जरूर करते और सुपर एड देखने को मिलती, लेकिन ये बेहतरीन पकड़ हुई थी।
17 नंबर खिलाड़ी लिबरेडी की तरफ से ये जो मैच हो रहा है लिबरेडी और खेड़े घर के बीच हो रहा है। दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी टीमें हैं, दोनों ही टीमें लगातार संघर्ष कर रही हैं, बेहतरीन प्रयास करती हुई दोनों ही टीमें। 5 का डिफेंस, क्या मिलेगा पॉइंट? नौ नंबर प्लेयर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अपनी टीम की ओर से बड़ी जी जान से खेल रहे हैं। 10 नंबर खिलाड़ी एक बार फिर एक्शन में, किक लगाई है जबरदस्त और एक और पॉइंट स्वीकार किया है बिल्कुल। स्कोर 8 से 3 रेड 2 ढाई रेड है, क्या बैक होल्ड मिलेगा? 2 पॉइंट मिले हैं और राइडर साइड और 10 नंबर खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं भाई, जिस भी टीम में देखी जाए, चाहे हम बात करें नितिन तोमर की, चाहे सचिन तेंदुलकर की, और जितने भी खिलाड़ी हैं स्टार खिलाड़ी होते हैं 10 नंबर पे। और यहाँ भी ये खिलाड़ी बेहतरीन काम करता हुआ, टाइम आउट, गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ, बेहतरीन मुकाबला खेला जट वर्सेस लेबर हेडी के बीच चलता हुआ। एक साइड हो सारे, एक जगह इकट्ठे मत हो, चलते रहो चलते रहो भाई, चलते रहो, जो ये यूट्यूबर है चलते रहे, भाई एक जगह खड़े मत रहे, चलते रहो, मैंने तुम कह रहे नहीं यहां से भाई जी। भैया रेफरी साहब जान दो, रेफरी साहब 10 नंबर खिलाड़ी भाई, रेफरी साहब इधर ध्यान दे मैच पर भाई, लाइनमैन लाइनमैन ध्यान दे, बहुत बढ़िया कदम रखती हुई लेबरेडी की तरफ से 10 नंबर खिलाड़ी। चार का डिफेंस, 3 नंबर खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है केड़ा जट की तरफ से, बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक बात की जाए तो इस खिलाड़ी ने, लेकिन यहाँ जाल में फंसता हुआ अंदर तक चले गए थे, लगता है बाहर निकालने का था, लेकिन थर्ड पकड़ बेहतरीन थी लेकिन निकलते हुए रेडर एक पॉइंट और, स्कोर 10-8, 6 का डिफेंस, 12 शॉट,9 नंबर खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी है खेड़ा जट की तरफ से, ये प्रदर्शन अभी तक बढ़िया किया है, स्कोर 10-8 और लेबर हेडी नीले कलर की टी शर्ट पहन रखी है भाई, कंचे वाले भाई, इसको बोर्ड के सामने बैठ जाओ भाई, चलो खिलाड़ी मत रहे रवि साहब, अपनी टीम खिलाऊंगा बहुत बड़े भाई, बसेड़ा और ककराड़ा दोनों टीमें तैयार है, चेंज हाफ टाइम, हाफ टाइम है सर बता दे रहा, हाफ टाइम ओके ओके, इसके बाद हाँ ठीक है, एक मध्यांतर का समय करीब
स्कोर था 60 और थर्ड रेड टू और ढाई रेड किसे मिलेगा पॉइंट लेवर हेडीबाजी मारेगा या खेड़ा चट और शहर आउट हुआ है खिलाड़ी एक पॉइंट और लेवर हेडी की तरफ 10 नंबर खिलाड़ी थर्ड रेड टू और ढाई है चार का डिफेंस इधर भी क्या पकड़ होगी लेवर हेडी की तरफ से खेड़ा जट के पाले में पीठ दिखाई है और बेहतरीन एंगल होल्ड किया है और मध्य अंतर हो गया है स्कोर 9 खेड़ा जट और 11 लेवर हेडी भैया देखो हर दर्शक बिल्कुल आनंद लेते हुए इस मैच का लुफ्त उठाते हुए मध्यांतर के बाद गेम एक बार फिर स्टार्ट लेवर हेडी की तरफ से खेड़ा जट के पाले में रेड करता हुआ खिलाड़ी क्या यहां पॉइंट मिलेगा 1, 2 या 3 सुपर रेड मिली है बिल्कुल 3 पॉइंट मिले हैं और ये बढ़ाता धीरे धीरे पड़ती जा रही है जो लीड एक समय 3 पॉइंट की थी 2 पॉइंट की अब 3 पॉइंट और मिलने के बाद एक और पॉइंट अब 6 पॉइंट की लीड हो चली है 2 रेड में 3 रेड में ये लीड बढ़ चुकी है 9 पॉइंट की लीड हो चली है 2 पॉइंट से इसी को कहते हैं गेम पलटना नौ नंबर खिलाड़ी खेला जट की तरफ से लंबा प्रयास है एक पॉइंट लिया है दस 18 स्कोर 8 पॉइंट की अभी भी लीड बाबा एक बार एक्शन में आए हैं अंदर बहुत बढ़िया 8 पॉइंट की अभी भी लीड लेवर हेडी के पास बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए अनश का प्रयास है क्या स्वीकार किया जाएगा अब अनश मिला है लीड धीरे धीरे कम होती हुई एक समय 9 पॉइंट की थी अब बची है 7 पॉइंट की लगातार दो रहे हैं 2 पॉइंट और 2 रेड में 2 पॉइंट की लीड खत्म की थी एक रेड में 2 पॉइंट की लीड बरकरार अरे एक और पॉइंट टाइम आउट लिया है लिबरेडी ने 21-11 10 पॉइंट की लीड अभी भी गेम एक बार फिर स्टार्ट टाइम आउट लिया था राजन बहुत अच्छे लाइनमैन कर रहे हैं राजन और बैफरी की विजिल के साथ मैच स्टार्ट होते हुए 21-11 बहुत बड़ी स्कोर है ना 21-11 हाँ इक्कीस लिबरेडी सिंगल वैन टेकल है सामने आए थे बिल्कुल होल्ड किया था और एक पॉइंट और सुपर टेकल ऑन है क्या मिलेगा सुपर टेकल समय काटते हुए 11-22 चले हैं क्रिकेट की ओर से बहुत बढ़िया थर्ड रेड है सुपर टेकल ऑन है क्या 2 पॉइंट मिलेंगे
या ज्यादा मिलेंगे रन रेट या एक। क्या बेहतरीन होल्ड था और बेहतरीन टैकल, बेहतरीन सुपर टैकल, बाईस 13 स्कोर अभी भी 9 पॉइंट के लिए। अच्छा थर्ड रेड 8 नंबर खिलाड़ी 6 नंबर, बिल्कुल खलबली मचा दी है पूरे कोर्ट में लेवर हेडी के में। किक लगाने का प्रयास, सभी काम कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और बिल्कुल डुबकी लगाई है, 1 2 3 4 4 पॉइंट की रेड की है, बिल्कुल जान डाल दी है गेम में और जो बढ़त थी उसको बहुत कम कर दिया है। थर्ड रेड और टाई रेड है इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी रेड है 4 पॉइंट की। ये है बाबा का कमाल, एक और टैकल, जो लीड थी और ये ऑल आउट, क्या बात है, 2 पॉइंट में 2 रेड में और 1 ऑल आउट, 3 रेड में स्कोर हो गया है 21-22, टाइम आउट लिया है बाबा ने। पूरी टीम कोचिंग देती हुई यहां से बैठी बैठी भाई, सभी समर्थन करते हुए और ये इनका ही जज्बा है जो ये 3 रेड में लीड 9 पॉइंट की कटकर मात्र 1 पॉइंट की लीड बची है। लेबर रेडी ऑल इन है, अब गेम एक बार फिर स्टार्ट। ये है बाबा का कमाल और स्कोर हो गया है बराबर 22-22 स्कोर। स्कोर बराबर, बाबा ने भाई कमाल कर दिया है, बेहतरीन डिफेंस किया है बाबा भाई, नाम का बाबा नहीं है काम का भी बाबा है। बोरस नहीं मिला है, स्कोर है बराबर। करीब 8 मिनट का समय शेष है इस मुकाबले में और कांटे का मुकाबला हो चला है। स्कोर अभी भी बराबर। बिल्कुल अंदर तक किया है लेकिन नहीं मिला है बोनस। दाद देनी होगी खेड़ा जट के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन किया है टीम ने। थर्ड रेड और टाई रेड है बाबा एक बार फिर एक्शन में। एक और पका इधर भी डू अटाई है, स्कोर 22-23 है फेवर इन लेवर हेडी। लेबर हेडी ए टीम है ये, बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों की तरफ से, डू अटाई है बेहतरीन डैश, स्कोर एक बार फिर बराबर।
23-23 स्कोर, फिर बराबर एक बार एक स्कोर। बेहतरीन मुकाबला, स्कोर बिल्कुल बराबर है भाई। खेला जट वर्सेस लेबर हडी का मुकाबला भाई। टाइम आउट लिया है, स्कोर बराबरी पर 23-23, 5 मिनट का लास्ट समय शेष है और मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है। कौन मारेगा बाजी, कौन क्वार्टर फाइनल में सफर तय करेगा यहां से। बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों की तरफ से। बाबा एक्शन में, जब से बाबा कोर्ट में आए हैं ये है मुकाबला। ये बेहतरीन रेड है बाबा की, जबरदस्त काम किया है बाबा ने, चाहे डिफेंस में हो या रेड में। बेहतरीन मुकाबला, बिल्कुल जोश बढ़ दिया है बाबा ने टीम में। एक समय करीब 10 पॉइंट की लीड थी और अब लीड जो है खेला जट की। थर्ड रेड वोट आई है, किसको मिलेगा पॉइंट? ये कमाल है, ये बेहतरीन, जबरदस्त प्रदर्शन है टीम का। चार का डिफेंस, स्कोर 25-23 फेवर इन खेला जट। एक और पकड़ है बाबा की, एक और बेहतरीन डिफेंस है। गेम एक बार फिर स्टार्ट, सुपर टैकल ऑन है, स्कोर 26-23 फेवर इन खेला जट। सुपर टैकल ऑन, पावर बैटर बा सुपर टैकल ऑन और थर्ड रेड। क्या स्कोर बराबरी की तरफ पहुंचेगा? लेकिन नहीं, ये बाबा है भाई कमाल का। बाबा बिल्कुल ऐसे ही नाम नहीं रखा है, काम भी बाबा के तक करता हुआ सारी टीम को बांध के रखा था, जो लीड थी उसे खत्म किया और अब 4 पॉइंट की लीड के साथ विजयी रथ पर। बेहतरीन मुकाबला, टच पॉइंट लेना होगा, रिवाइवल नहीं मिलेगा बोनस से, और अगर टच पॉइंट नहीं मिलता है तो ऑल आउट मिलेगा बिल्कुल। बाबा एक्शन में, 8 नंबर खिलाड़ी थर्ड रेड वो टाई रेड है, मतलब एक और कड़ी स्थिति चुनौती है इस खिलाड़ी के, युवा खिलाड़ी के सामने। अगर टच पॉइंट नहीं लाता है तो ऑल आउट हो जाएगा इससे अगली रेड में। लेबर हेडी, क्या मिलेगा टच पॉइंट? और रेडर आउट हुए हैं, डू और डाई रेड थी और मैच हो गया है समाप्त यहां पर। और बाजी मारी है
31-23 के साथ खेड़ा जट ने बाजी मार लिया यहाँ पर। बाबा ने कमाल किया था और मैन ऑफ द मैच ही मिलेगा शायद। बिल्कुल भाई, बेहतरीन काम किया लेवर हेडी ने। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको।